दोस्तों आपको बताऊंगा, आज सुबह मैंने आपको एक खबर बताई थी कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च हो चुकी है और आप इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। इस योजना के तहत सरकार हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्लान बनाए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस योजना का नया पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। आज मैं आपको इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन क्लियर बताऊंगा कांच की तरह, किस तरह से आप घर बैठे ही इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फिर आप मोबाइल से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या स्टेप्स हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ। बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। पीएम मोदी ने मुफ्त बिजली योजना की घोषणा करते हुए इस योजना से जुड़ने के लिए देशवासियों के लिए ऑनलाइन लिंक भी शेयर किया है। ये देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया हुआ ट्वीट भी, लेट्स बूस्ट सोलर पावर एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस। और इस ट्वीट के साथ में लास्ट में उन्होंने एक पोर्टल का लिंक दिया हुआ, PM Surya Ghar.gov.in। इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया देशवासियों से। हाल ही में आपको बताऊंगा बजट में सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना पर केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने वाली है और इस परियोजना का लक्ष्य है देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा घरों को रोशन करना है बिजली प्रदान करके सोलर एनर्जी से। हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी आपको। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव वगैरह भी आने वाले हैं तो इसीलिए सरकार जल्द से जल्द लोगों को इस योजना से जोड़कर उनके बिजली बिल की महंगाई से राहत देने की तैयारी में है। तो पूरा प्रोसेस देखते हैं कि आपको ये मुफ्त बिजली योजना में कैसे फायदा मिलेगा। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है जो कि लिंक मैंने आपको बताया, PM Surya Ghar.gov.in। ये इस पोर्टल का ऑफिशियल एड्रेस है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में ये पोर्टल खोलते हो तो ये कुछ यूं खुलेगा। पोर्टल खुलते ही यहाँ पर आपको कुछ यूं लुक दिखेगा इस पोर्टल का। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ क्विक लिंक्स और 3 ऑप्शन बनाए हुए हैं, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर योजना, दूसरा बटन है सब्सिडी स्ट्रक्चर और तीसरा बटन है एम्पैनल्ड वेंडर्स। अब इन सब के अलग अलग काम है, हमें मतलब है सिर्फ पहले वाले बटन से कि हमें रूफटॉप सोलर योजना के लिए अप्लाई करना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ हाइलाइट्स वगैरह भी मिल जाएंगे इस योजना में, अब तक कितने लोगों ने बेनिफिट लिया, कितनी कैपेसिटी की बिजली बिल जनरेट करते हैं, सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ राइट साइड में पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी लगा हुआ, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोग्रेस वगैरह भी यहाँ दी हुई है। बहरहाल ये सारे लिंक्स दूसरे काम की हैं, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लिंक है दोस्तों वो है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर योजना। बस आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये नया पेज खुलेगा और इस पेज में आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर लॉगिन लिखा हुआ है। अभी मैं आपको मोबाइल का भी प्रोसीजर बता दूंगा क्या कुछ है, पहले आप ये समझ लीजिए। यहाँ पर राइट साइड में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना, आप किस राज्य से रहते हैं, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जो भी है। जैसे आप राज्य सेलेक्ट करोगे इस नेक्स्ट ऑप्शन में आपके राज्य के सभी जिलों की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ अपना जिला सेलेक्ट करना है। फिर तीसरा ऑप्शन भी इनेबल हो जाएगा जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की लिस्ट आ जाएगी कि आपके राज्य में कौन कौन सी बिजली वितरण कंपनियां हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जांपल लेता हूँ तो उत्तर प्रदेश आगरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6-7 तरह की बिजली वितरण कंपनियां, आपका बिजली बिल कौन सी कंपनी का आता है, मतलब वही कंपनी आपकी बिजली वितरण कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सिंपली आपको वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन इनेबल होगा जिसमें लिखा होगा कंज्यूमर अकाउंट नंबर। अब ये यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना बिजली बिल का अकाउंट नंबर डालना है, मतलब समझ रहे हो। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बिजली वितरण कंपनियों के लिए ये नंबर अलग अलग तरह के फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे कई बिजली बिल पर के नंबर के रूप में लिखे होते हैं, कई सारे बिल पर आपको अकाउंट नंबर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अब ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट है, आपको बिजली बिल पर आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा और नहीं भी मिले तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सिंपली अपनी बिजली वितरण कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं उन्हें कि मेरा अकाउंट नंबर क्या है। वैसे आप ऑनलाइन बिजली बिल जमा करते होंगे तो आपको पता ही होगा आपका अकाउंट नंबर के नंबर के जरिए बिजली बिल जमा होते हैं, ठीक है। तो वो नंबर आपको यहाँ एंटर करने हैं। जैसे वो नंबर एंटर करके आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का सेकंड स्टेप आएगा। अभी ये Step 1/2 है। अब ये देखिए आप Step 2/2 आ गया। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर डालना, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, ईमेल एड्रेस भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और फिर इस इमेज वैल्यू में आपको ये कैप्चा जो लिखा हुआ है ना, ये कैप्चा एंटर करना है और कुछ नहीं करना, बस सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में आपको SMS के जरिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लिंक आ जाएगा, आगे तारीख आ जाएगी और आगे सारी योजना की डिटेल आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट प्रोसीजर पता चलता जाएगा। ओके, क्लियर हो गया यहां तक। तो अब अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो मोबाइल में अगर आप ये वेबसाइट खोलोगे सरकार का ये पोर्टल तो कुछ यूं दिखेगा आपको, ठीक है। यहां पर आप आओगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहां क्विक लिंक्स के ऑप्शन आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे, बाकी नीचे वो दूसरे ऑप्शन आ रहे हैं अलग अलग हाइलाइट्स वगैरह। अपने को नीचे जाना ही नहीं है, सिंपली अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पे क्लिक करना है। यहां पे जैसे क्लिक करोगे अब आपके सामने वापस रजिस्टर हियर और लॉगिन हियर ये 2 ऑप्शन आ गए, देख रहे हो। तो वही सिंपली वापस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का यहां फॉर्म खुल जाएगा। सेलेक्ट स्टेट, यहां आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, वापस डिस्ट्रिक्ट और आपकी बिजली वितरण कंपनी कौन सी है वो सेलेक्ट करना, आपका अकाउंट नंबर डालना, नेक्स्ट करना। सेम वही प्रोसीजर रहेगा मोबाइल में भी, थोड़ा फॉर्मेट अलग है। अच्छा, इतना आसानी से मैंने आपको कांच की तरह क्लियर पूरा प्रोसेस समझा दिया, तब भी आपको लग रहा कि यार कोई माथा पच्ची का काम है, आप अपने नजदीकी ईमित्रा सेंटर पर या गवर्नमेंट के जो CSE सर्विस सेंटर होते हैं वहां भी अप्लाई करवा सकते हैं। और भी ये स्टेप्स हिंदी में लिख करके मैंने आपको बता दिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अलावा भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट
कमेंट करके पूछेगा मुझे जरूर। और बाकी इस योजना के लिए क्या पात्रता है, नियम शर्तें क्या है, इनकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज पर पहले एक वीडियो में बताई थी। एक सेकंड में आपको वीडियो निकाल कर ही बता देता हूँ। ये देखिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की पूरी जानकारी इस वीडियो में, आपको इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या पात्रता नियम शर्त है, कौन कौन लोग इसके लिए फायदा ले सकते हैं। ये वही योजना प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसी का नाम बदलकर सरकार ने नए नाम से इस योजना को लॉन्च किया है, जिसका नाम अभी रखा है PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, राइट। तो इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।